हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द सेशन। इस 8 बजे से 9 बजे तक की क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए यहां पर करते हैं बार्क स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्वेश्चंस के, और आप सब लोग फास्ट जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाएं और क्लास की शुरुआत हम यहाँ पर जल्दी जल्दी गाइस कर सके, ठीक है। तो चलिए बार्क स्टाइपेंडरी ट्रेनी का पेपर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लाइक कुछ पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें है और कुछ क्वेश्चन बाकी एग्जाम्स मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। टेलीग्राम का चैनल मेरा आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको मिलती है क्लास की पीडीएफ्स वगैरह, आपको मिल जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, और बहुत सारे नोट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप बोलेंगे तो। जिस चीज के भी नोट्स आप बोलते हैं गाइज, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप मुझसे डायरेक्टली कोई भी चीज कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन पोस्ट योर डाउट एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट एज सून एज आई विल सी योर डाउट। ओके, जैसे मैं आपका डाउट देखूंगा तो डेफिनेटली आपका डाउट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो गुड इवनिंग एवरीवन, रमेश जी, जनरल साहब, दीपक एंड सोम, सभी को गुड इवनिंग। चले तो गाइस शुरू करते हैं प्रश्नों का सीरीज यहां पर, और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। हाई प्रेशर एंड लो वाटर सेफ्टी वॉल्व कैन नॉट बी यूज्ड ऑन, हाई प्रेशर एंड लो सेफ्टी वॉल्व, हाई प्रेशर एंड लो वॉटर सेफ्टी वॉल्व कैन नॉट बी यूज ऑन। यस, इट इज लोकोमोटिव बॉयलर। नाउ रीजन, वट इज द रीजन, वट इज द रीजन, ऐसा क्यों यूज नहीं करते हाई प्रेशर लो वॉटर सेफ्टी वॉल्व, क्यों यूज नहीं करते बच्चे? वो इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि देखिए, दीज ऑल आर फायर ट्यूब बॉयलर्स, कॉर्निश बॉयलर, कॉकरेन बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, दीज आर ऑल बॉयलर्स आर हैविंग प्रेशर रेंज लेस देन 18 बार। इनका जो प्रेशर रेंज होता है वो 18 बार से कम होता है। लोकोमोटिव बॉयलर एक्सेप्शनल केस है जिसका प्रेशर कहां तक जा सकता है, 25 बार तक। अब अगर आपने गाइस इसमें हाई प्रेशर सेफ्टी वॉल्व यूज कर लिया, अगर आपने इस बॉयलर में हाई प्रेशर लो वॉटर सेफ्टी वॉल्व यूज कर लिया, तो अगर इसका प्रेशर बढ़ेगा, अगर इसका प्रेशर बढ़ेगा, जैसे इसका प्रेशर बढ़ा, वॉल्व ने प्रेशर को सेंस किया और वॉल्व ओपन हो जाएगा। अगर वॉल्व ओपन हो जाएगा तो जो एक्सेस स्टीम है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। जरा ध्यान से सुनो, इन बॉयलर में प्रॉब्लम है ही नहीं, ये बॉयलर ऑलरेडी लो प्रेशर बॉयलर है। अगर फायर ट्यूब की कैटेगरी देखा जाए तो ये लो प्रेशर बॉयलर है, लेकिन लोकोमोटिव बॉयलर एक्सेप्शनल है, अपवाद है। उसका प्रेशर कहां तक जाता है, 25 तक। तो अगर आपने इस बॉयलर में ये हाई प्रेशर सेफ्टी वॉल्व यूज कर लिया, तो जैसे ही प्रेशर हाई होगा, तो हाई प्रेशर से सेफ्टी कर रहा है, जैसे प्रेशर हाई होगा, यानी कि मान लीजिए 22 बार तक या 24 बार तक प्रेशर पहुंचा, तो ये सेफ्टी वॉल्व खुल जाएगा, और जैसे ही वॉल्व खुलेगा स्टीम बाहर डिस्चार्ज हो जाएगी। तो फायदा क्या हुआ, फायदा नहीं हुआ, तो हम इसमें यूज नहीं करते। और बात इसमें करेंगे तो इसमें इतना प्रेशर जाएगा ही नहीं, हाई प्रेशर वाटर सेफ्टी वॉल्व, इसमें इतना प्रेशर जाएगा ही नहीं। इसमें इतना प्रेशर तभी जाएगा जब कोई बहुत एडवर्स सिचुएशन हो जाए, यानी कि बॉयलर फटने ही वाला हो, और अगर बॉयलर फटने ही वाला है तो फिर तो वॉल्व को खुलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए आंसर करिए। एन इंजन सिलेंडर हैज क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ 20 सीसी एंड कंप्रेशन रेशियो ऑफ 14। मैकेनिकल एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसीज आर 88 एंड 80% रिस्पेक्टिवली। The actual volume of charge in CC inducted per stroke, हर स्ट्रोक में डियर कितना चार्ज आने वाला है बताइए, हर स्ट्रोक में कितना चार्ज आने वाला है। भाई आंसर कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई आंसर कर रहा है, कर ही नहीं रहा, बस एक आंसर आया दीपक का 200 वाट, और कोई? ठीक है, चलिए बच्चे निकाल लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना दिमाग लगाना भी नहीं है इसमें, जितना आप सोच रहे हैं इतना तो टाइम का क्वेश्चन भी नहीं है। देखिए बच्चे, आपका कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, वीएस प्लस वीसी बाय वीसी, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज वीएस बाय वीसी प्लस 1 इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो। नाउ वीएस बाय वीसी इज इक्वल टू 14 माइनस 1 यानी कि 13। कंप्रेशन रेशियो कितना है, 14। सो 14 माइनस 1 कितना आ गया, 13 आ गया। नाउ वीएस आपसे पूछा है, वीएस इज इक्वल टू 13 टाइम्स वीसी,
13 टाइम्स वीसी, यानी कि 13 इंटू 20 कितना आ गया गाइस 260, कितना आ गया 20 आ गया 260, ठीक है। नाउ व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, अभी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपका होता है एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। सो गाइस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपका कितना दिया 80%, यानी कि 0.8 इज इक्वल टू एक्चुअल अपॉन 260, तो इसको निकाल लीजिएगा कितना आ जाएगा 208 आ जाएगा, वेरी सिंपल। चलो भाई आंसर करो। For a laminar flow through a circular pipe of diameter 400 mm, the maximum velocity is 2 meter per second. What will be the velocity at 8 centimeter from the wall of the pipe? बहुत बढ़िया 2.2। बिना सॉल्व किए इतने जल्दी कैसे आंसर कर सकते हो यार, जिसने आंसर ये बी ऑप्शन किया है वो इतने जल्दी कैसे आंसर कर रहे हैं। देखिए डियर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकी। देखिए आपको क्या निकालना है, ये आपकी पाइप है, ये क्या है आपकी पाइप है, और ये है पाइप का सेंटर, पाइप का सेंटर ये है। पाइप की बच्चे डाया कितना दिया है, पाइप की जो डाया दिया है वो कितना दिया है आपको, कहां दिया है 400 mm, यानी कि 40 सेंटीमीटर। पाइप की डाया कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस पाइप की कितनी हो जाएगी बच्चे 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि दिस रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज गोन बी आर, ये क्या है आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इतना क्लियर, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे यह पूछा है कि आप मुझे यह बताइए सर कि द मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पर कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, इस यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी है कितना 2 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि वी मैक्स है, क्या है वी मैक्स। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल ऑफ द पाइप, फ्रॉम द वॉल ऑफ द पाइप, पाइप के वॉल से 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस लोकेशन पे आपसे पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी। सो गाइस इस लोकेशन पे ये कितना हो जाएगा आर, कितना हो जाएगा आर, पाइप के वॉल से पूछा है, सेंटर से नहीं पाइप के वॉल से, उल्टा ऊपर से आपको नीचे आना है, तो यहां पे ये टोटल कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, आर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। नाउ गाइस आपको निकालना है यू एवरेज, ये कितना होता है यू मैक्स इंटू 1 माइनस आर बाई आर का होल स्क्वायर, क्या होता है 1 माइनस आर बाई आर का होल स्क्वायर, यू कितना है मैक्स 2, 1 माइनस आर बच्चे कितना है 12 बाई आर कितना है 20, 12 बाई 20 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 1.28, कितना आंसर आएगा 1.28। गुड इवनिंग कुलदीप, गुड इवनिंग, समझ आया गाइज, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। लुक स्मॉल आर इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, क्लियर। नेक्स्ट नहीं, बार्क में एक्सपीरियंस क्यों मांगा डियर, बार्क में एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा है। बताइए If the thermal efficiency of a Carnot engine is 0.5, then the coefficient of performance of the Carnot refrigerator will be. If the thermal efficiency of Carnot engine is 0.5, then the coefficient of performance of refrigerator. So guys, coefficient of performance of refrigerator क्या होता है? 1 COP of heat pump minus 1. अब heat pump की COP क्या होता है? 1 upon efficiency of heat engine minus 1. So 1 by 0.5 minus 1. This is 2 minus 1. That is equal to 1. कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाता
दो जो आएगा वो हीट पंप की सीओपी आएगा डियर। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉट विल बी द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द पाइप। तो पाइप में बच्चे वाटर की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, बताइए सभी लोग। सी बी विदाउट सॉल्विंग यू आर गिविंग द आंसर्स, दिस इज नॉट राइट डियर, ये सही नहीं है, ये आदत ही खराब है, ये आदत ही खराब है, बिना सॉल्व के आंसर नहीं देना चाहिए। चलिए व्हाट इज फ्लोइंग, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू बच्चे क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, तो आपको निकालना है वेलोसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया, तो Q अपॉन एरिया क्या हो जाएगा पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर 4Q बाई पाई डी स्क्वायर, 4Q बाई पाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 4Q वेलोसिटी कितना आ जाएगा 4 इंटू Q, Q कितना है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, Q है आपका 2, ठीक है, और यहां पर आपको दिया है व्हाट विल बी द वेलोसिटी, और ये आपका पाई बाई फोर पाई डी स्क्वायर, तो पाई आप यहां रखेंगे इंटू डी कितना दिया आपको डाया 20 सेंटीमीटर, यानी कि अब आप एक काम करिए या तो सबको आप रख लीजिए सेंटीमीटर में, देखिए यह आ जाएगा 4 इंटू क्यू, क्यू कितना है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 2 मीटर क्यूब, तो 2 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, 2 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, उसका क्यूब क्या जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। अब पाई इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर को मैं रखता हूं 20 का स्क्वायर, तो गाइस ये सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 63.7 करके, 63.7 करके आपका आंसर आएगा, ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। और देखो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं डियर, यहां से आप ऐसा करिए कि 10 की पावर 6 है ना, यहां से आप लाइक ये 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, तो यहां से आप दो जीरो निकालिए, ये 400 कट जाएगा, यहां बचेगा 40, तो बचेगा 2000 समथिंग डिवाइड बाई पाई कुछ ऐसा, तो वो आंसर किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में है, ये आंसर मीटर में है, सॉल्व करिएगा आंसर यही आएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पे कर लेते, गुड इवनिंग डियर तुषार, गुड इवनिंग। डबल हेलिकल गियर को और किस नाम से जानते हैं, डबल हेलिकल गियर को और किस नाम से जाना जाता है, डबल हेलिकल गियर को और किस नाम से जाना जाता है, हेरिंग बोन गियर, तो डबल हेलिकल गियर को बच्चे बोलते हैं हेरिंग बोन गियर। देखिए आप डबल हेलिकल गियर अगर आप देखेंगे तो आप क्रॉस सेक्शन उसको आपका कुछ ऐसा दिखेगा डबल हेलिकल गियर का, ये मैं फ्रंट व्यू आपको दिखा रहा हूं डबल हेलिकल गियर का, तो अगर आप देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन आपको कुछ ऐसा दिखेगा लाइक दैट, कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन आपको डबल हेलिकल गियर का, जैसे आपकी गाड़ी का टायर आपको दिखता है ना सेम वैसा क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा डबल हेलिकल गियर का, सेम वैसा ही क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा डबल हेलिकल गियर का ऐसा, तो ये है डबल हेलिकल गियर, इसको बोलते हैं हेरिंग बोन गियर, क्या बोलते हैं हेरिंग बोन। Next. In a heat pump, the process of cycle are carried out in such a manner that the sequence of the process on the PV diagram. No, diagram है ही नहीं dear. Diagram इसमें है ही नहीं, पहले question को ध्यान से पढ़ो, question पूछा क्या है, question में diagram की जरूरत ही नहीं है, diagram question में है ही नहीं, question diagram ही तो पूछ रहा है, क्वेश्चन खुद आपसे डायग्राम पूछ रहा है डियर, क्वेश्चन को पढ़ तो लो प्रभु। इन अ हीट पंप द प्रोसेस ऑफ द साइकिल आर कैरीड आउट इन सच अ मैनर दैट द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑन द पीवी डायग्राम इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होता है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, किस डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। All anti-clockwise cycle on PV and TS plot are power absorbing cycle. All clockwise cycle on PV and TS plot are power producing cycle. तो जितने भी power producing cycle हैं सारी clockwise, जितने भी absorbing cycle हैं वो सारी anti-clockwise. जैसे जितने भी आपका refrigeration की cycle है, Bell Coleman cycle, ये सब क्या है anti-clockwise cycle. Next बात है.
इन अ मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम द मिस्ट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर्म्स व्हेन? आंसर डियर इन अ, एक बात बताइए, मिस्ड लुब्रिकेशन सिस्टम में, एक बात मुझे बताइए, लिसन, दिस इज पेट्रोल एंड दिस इज योर ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, दैट इज कॉल्ड टूटी ऑयल जो आपने मिक्स करते हैं, टूटी ऑयल और लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, इनमें से ज्यादा वोलेटाइल कौन है? कौन ज्यादा वोलेटाइल है? ज्यादा वोलेटाइल यानी कि जो कम हीट पे भी वेपराइज हो जाएगा, ज्यादा वोलेटाइल कौन है? पेट्रोल। अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल वोलेटाइल हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर इंजन के अंदर का टेम्परेचर कितना पहुंच रहा है, 2,250 डिग्री सेल्सियस, अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल पहले ही वेपराइज हो जाए, यानी कि हाईली वोलेटाइल हो, तुरंत वेपराइज हो जाए, देखो हाईली वोलेटाइल का मतलब आपने हल्की सी हीट दिया, वो वेपराइज हो गया, इसको बोलते हैं हाईली वोलेटाइल। जो लो वोलेटाइल होते हैं उनको आप हीट देते रहो, वेपराइज होंगे ही नहीं। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो वोलेटिलिटी है वो कम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? लो वोलेटाइल होना चाहिए। क्यों लो वोलेटाइल होना चाहिए? क्योंकि अगर ये वेपराइज हो गया तो इंजन को कूल कौन करेगा? इंजन को लुब्रिकेट कौन करेगा? अगर ये वेपराइज हो गया तो इंजन को लुब्रिकेट मिलाल कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन पेट्रोल को वेपराइज होना जरूरी है, क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सर वेपराइज होगा तभी फ्लेम का प्रोपेगेशन प्रॉपर होगा। तो यहां पर मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम में जो मिस्ट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल बनता है, वो तब बनता है जब सिर्फ फ्यूल वेपराइज करता है। उस फ्यूल का वेपर क्या करता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल का मिस्ट बना देता है, यानी कि जो फ्यूल का वेपर है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल को खींचता है अपनी तरफ और उसका मिस्ट बना देता है, क्योंकि वो गर्म है। लुब्रिकेटिंग ऑयल कंपैरेटिवली इतना गर्म नहीं है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो वेपराइज है, वो वेपर स्टेट में है, तो वो मिस्ट बनाएगा लुब्रिकेटिंग ऑयल को अपने साथ शामिल करके। लुब्रिकेटिंग ऑयल वेपराइज नहीं होता, मिस्ट किससे बनता है? जब फ्यूल वेपराइज होता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Which velocity is kept as common reference in both inlet and outlet velocity triangle for drawing the velocity diagram of the steam turbine? नहीं डियर, velocity of whirl is not same. Velocity of whirl inlet पे अलग, एक velocity आप same लेते हैं, blade की velocity. Inlet और यार एक बात बताओ, ये blade है, ये move कर रही है, ये blade move कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी? ब्लेड क्या है, रिजिड है ना, अगर रिजिड है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब ऐसे ब्लेड है तो इसको ऐसे कर दोगे, यानी कि ये वेलोसिटी कम चलेगी, ये वेलोसिटी ज्यादा चलेगी। ब्लेड की वेलोसिटी हम इनलेट से एग्जिट तक कांस्टेंट मान के वेलोसिटी ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ब्लेड की वेलोसिटी u1 = u2 = u मान के हम इसकी वेलोसिटी ट्रायंगल को करते हैं ड्रॉ। कहां गया ब्लेड की वेलोसिटी? नेक्स्ट गार्ड रेडी है। वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड का मतलब होता है बच्चे, समझो, देखिए ये शाफ्ट है, मान लीजिए आपकी ये शाफ्ट है और ऐसे इस पे लगी है क्या, ये पेल्टन व्हील है, ये शाफ्ट है, मान लीजिए ऐसा, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं, ये शाफ्ट है ऐसा लाइक दैट, और ये व्हील आपकी लगी है। तो वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड मतलब जब आपके नोजल से पानी आता है, जब नोजल टर्बाइन पे पानी को फेंक रहा है ब्लेड पे, तो उस नोजल की वेलोसिटी को हम डिवाइड करते हैं लाइक वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वो कंपोनेंट जो शाफ्ट को वाइब्रेट करता है, वर्लिंग करता है शाफ्ट की, जो वो कंपोनेंट जो शाफ्ट को वाइब्रेट कर रहा है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड। वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड अगर ज्यादा हुई तो शाफ्ट में वर्लिंग आएगी, शाफ्ट वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, इसलिए वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड ज्यादा नहीं होना चाहिए।
बताइए. इन अ सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल द एंथैल्पी एट पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट फोर आर 260 एंड 180. मैं लिख दे रहा हूं पॉइंट वन पे एंथैल्पी कितना है 260 और पॉइंट टू पे बच्चे एंथैल्पी कितना है 60 और यहां पे कितना है 180. रिमेंबर दिस पॉइंट इज हियर. रिमेंबर दिस पॉइंट इज नॉट हियर, इट इज हियर. सोच समझ के आंसर करिएगा. दिस पॉइंट इज नॉट ऑन ड्राई सैचुरेटेड कर्व, दिस इज इन वेट रीजन. नाउ व्हाट इज द सीओपी? ठीक है तो बच्चे सीओपी निकाल लेते हैं. सीओपी क्या आता है आपका? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. सीओपी आपका आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट. वर्क इनपुट कौन ले रहा है? कंप्रेसर. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किस में मिल रहा है? इवेपोरेटर में. इवेपोरेटर कहां है? यहां से यहां तक. तो H4 - H3 और हियर गाइस लिसन, H3 = H2. यहां पे लिख लेंगे H3 = H2 बिकॉज दिस इज थ्रॉटलिंग प्रोसेस. कैसा प्रोसेस है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस है और थ्रॉटलिंग में एंथैल्पी इनलेट एग्जिट की कांस्टेंट होती है. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट 1 2 3 4. ठीक है, हियर आई एम गोइंग टू राइट H4 - H3 दैट इज इक्वल टू H2. H4 - H2 डिवाइडेड बाय दिस H1 - H4. क्लियर? नाउ देखिए अब क्या आ जाएगा यहां पर. H4 - H2 कितना है? ये 180 - 60 कितना गया? 120 - 60 दैट इज 120 अपॉन H1. 260 - 80 कितना गया? 80. तो आ गया आपका 120/80. 120/80 दैट इज इक्वल टू 1.5. सो दिस विल बी द सीओपी. नाउ आप पूछेंगे कि सर अगर आपको ये जानना है कि सर ये हमने क्यों लिया, ये पॉइंट यहां तो है ही नहीं. अरे नहीं है तो मत रहे, हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से मतलब है. नहीं है मत रहे, नहीं है तो कंप्रेसर मरेगा. हमारा क्या जा रहा है? कंप्रेसर मरेगा बे, कंप्रेसर मरेगा. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो वही आएगा. सीओपी देख कितनी कम है, 1.5 सीओपी है. मतलब वेपर कंप्रेशन साइकिल की सीओपी ज्यादा होनी चाहिए. सीओपी 1.5 है, ठीक है, ओके है. बट लिसन, यहां पे आपको वेट कंप्रेशन है, कंप्रेसर के अंदर लिक्विड भी जा रहा है, कंप्रेसर मरेगा. अपने से क्या मतलब? अपने को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए, है ना? बस खत्म. नेक्स्ट पे आता हूं. इन विच बॉयलर इज फोर्स्ड सर्कुलेशन ऑफ बॉयलर रिक्वायर्ड? किस बॉयलर में फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर का रिक्वायर्ड है? लंकाशायर लोकोमोटिव, नेचुरल सर्कुलेशन फायर ट्यूब बॉयलर. नेचुरल सर्कुलेशन फायर ट्यूब बॉयलर, नेचुरल सर्कुलेशन वाटर ट्यूब बॉयलर. दिस इज अ क्रिटिकल लाइक बॉयलर, सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है जिसमें आपका कोई भी ड्रम नहीं है, तो आपको फोर्स्ड सर्कुलेशन रिक्वायरमेंट है. ठीक है, सो दिस इज द हाई प्रेशर बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर. क्वेश्चन को पढ़िए. पॉइंट एक्स इज 10 मीटर बिलो द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड एंड पॉइंट वाई इज 12 मीटर बिलो द फ्री सर्फेस ऑफ द सेम लिक्विड. द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द प्रेशर एट पॉइंट एक्स एंड वाई. दो पॉइंट हैं, ये आपका लिक्विड की सरफेस है. क्या है मान लीजिए, ये आपका लिक्विड की सरफेस है बच्चे, यहां पर लिक्विड है आपका. तो पॉइंट जो एक्स है वो कितना नीचे है? 8 मीटर. कितना है? 10 मीटर. पॉइंट एक्स जो है वो 10 मीटर है, यानी कि यहां पर फ्री सरफेस मान लीजिए आपका ये है. दिस इज गोन बी योर फ्री सरफेस. सो पॉइंट एक्स आपका यहां पर 10 मीटर नीचे. पॉइंट जो वाई है वो कहां है? 12 मीटर नीचे. ऑब्वियसली वाई पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू हाइट. सेम लिक्विड है तो रोजी दोनों का सेम होगा. स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों की क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि लिक्विड है ना, सेम है, तो दोनों का रोजी क्या होगा? सेम. यानी कि वेट डेंसिटी दोनों की बराबर ही होगी क्योंकि लिक्विड सेम है. यहां पर लिखा है सेम लिक्विड, तो जिसकी हाइट ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा. तो फ्री सर्फेस से हाइट ज्यादा किसकी है? 12 की. तो वाई पे प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन ए पूरी तरह से सत्य हो जाएगा. नेक्स्ट.
कब से पेपर दे रहे हो बे तुम, कब से पेपर दे रहे हो तुम, 2018 का पेपर भी याद है क्या? मोहित सर की क्लास क्यों नहीं हो रही बच्चे? ऐसे कैसे मोहित सर की क्लास नहीं हो रही है? होनी तो चाहिए। अभी एक घंटे पहले सर ने नोटिफिकेशन लिया था, अभी एक घंटे पहले सर ने नोटिफिकेशन लिया था एमपीपीजी जेई का। आप एक बार चेक करें दोस्त। अच्छा पेपर का सॉल्यूशन देखा था आपने। अच्छा ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलो ओके। सीजीएस यूनिट मास डेंसिटी की क्या होती है? मास डेंसिटी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? तो देखिए गाइस, मास डेंसिटी यानी कि डेंसिटी, मास डेंसिटी मतलब घनत्व, सिंपल। मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, वेट डेंसिटी वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास डेंसिटी की जो एसआई यूनिट है वो केजी पर मीटर क्यूब है, जो सीजीएस यूनिट है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ग्राम पर सीसी आ जाएगा। अच्छा ये बात है, चलो। प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम बच्चे क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट मास। और डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो कट के दोनों कितना आ जाएगा? 1। एसएससी जेई का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट पैम पता नहीं ऐसे क्वेश्चन कह देते हैं। तुम्हें नहीं मिलता? बताइए। ठीक है तो बच्चे देखिए, ये जो होता है ना, Which of the following condenser used for small installation of refrigeration capacity up to 30 kilowatt? Up to 30 kilowatt ये होता है double tube type. Double tube type जो होता है ये होता है आपका up to 30 kilowatt. Double tube type क्या होता है? Up to 30 kilowatt. ठीक है? Up to 30 kilowatt. अच्छा एक डबल ट्यूब टाइप भी होता है। एंड गाइस लिसन, ये जो शेल एंड कहां गया, शेल एंड क्वाइल टाइप होता है, ये अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट आप इसको 10 TR, ये 10 TR होता है, ये अप्रोक्सीमेट आपका 50 TR तक आप यूज कर सकते हैं। और शेल एंड ट्यूब टाइप, फोर्स कन्वेक्शन टाइप का जो होता है ये अप्रोक्सीमेट, शायद देखो इसकी वैल्यू बच्चे मुझे एग्जैक्टली नहीं आता है, बट शायद आप मे बी इसकी वैल्यू शायद आप 100 TR तक आप यूज कर सकते हैं। और ये आप 10 TR तक, कितना 10 TR तक यूज कर सकते। नेक्स्ट बात, चलिए इसका आंसर करिए। आंसर करिए फास्ट। एवरीवन गाइस, दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन ऑन योर कॉमन सेंस। यस स्टिल आई विल टेल यू द आंसर, बट दिस क्वेश्चन नीड्स अ डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन। दिस इज अ केस ऑफ अनस्टेडी फ्लो। इफ यू रिमेंबर द क्वेश्चन ऑफ अनस्टेडी फ्लो, डेफिनेटली यू कैन आंसर द क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज लॉजिकल क्वेश्चन, यू हैव टू थिंक। If you will not be able to answer this question, I will be taking this question in the tomorrow's masterclass. Same masterclass में मैं ये question लूँगा. So for now, I am leaving this question on your fine sense of judgment, fine sense of decision. I am leaving this question. The specific enthalpy of entering fluid is equal to the final specific internal energy of the fluid in the charged tank. क्या हो जाएगा?
The specific enthalpy of entering fluid is equal to the final specific internal energy of the charged fuel tank. क्या बताएं यार, इसका तो आंसर मेरे पास नहीं है डियर, इसका आंसर मेरे पास नहीं है. गाइज ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर ओन. दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नहीं बता पाएंगे तो आई विल बी टेकिंग दिस क्वेश्चन इन टुमारोज लाइक मास्टर क्लास. हाँ हाँ ये कर सकते हैं. मैं बोला रमेश जी कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही फाइनेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए. और नहीं बता पाएंगे तो मैं कल की मास्टर क्लास में इस क्लास को क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करूंगा सुबह 9:15. लेटेंट द हीट एक्वायर्ड और रिलीज ड्यूरिंग फेज चेंज इज कॉल्ड लेटेंट हीट. आइए अगले क्वेश्चन बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड्स दैट लंकाशायर बॉयलर इज अ फायर ट्यूब बॉयलर. इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बच्चे डिसाइड करता है कि लंकाशायर बॉयलर जो है वो फायर ट्यूब बॉयलर है. बताइए चलिए, इस लंकाशायर बॉयलर को कैसे जस्टिफाई करेंगे फायर ट्यूब बॉयलर है. इट इज हैविंग टू फायर ट्यूब्स. इनसाइड फायर ट्यूब्स देयर आर फ्लू गैसेस एंड आउटसाइड द देयर इज वाटर. सो दिस इज द इनफ प्रूफ दैट लंकाशायर बॉयलर इज अ फायर ट्यूब बॉयलर. अब दीपक मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब मैंने बीटेक क्वालिफाई किया, लाइक मैंने बीटेक कंप्लीट किया, तो उसके बाद मैं जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक, तो मैं अपना गैप नहीं करना चाहता था. जैसे मैंने बीटेक कंप्लीट किया, जस्ट आफ्टर बीटेक आई ज्वाइंड एन ऑटोमोबाइल कंपनी, बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मैंने ज्वाइन किया था, बावल चौक पे रेवाड़ी के पास गुड़गांव के आगे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी थी, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा यहां. तो उसके बाद फिर बस मेरा बीटेक के बाद एक महीने का गैप हुआ था, ओनली वन मंथ का गैप हुआ था, सिर्फ बीटेक के बाद एक महीने गैप हुआ. उसके बाद हमने फिर मैंने कंपनी ज्वाइन करी. उसके बाद उस सिर्फ एक महीने में 3-4 लोगों ने मुझसे पूछा फोन करके, मतलब हर हफ्ते पूछते थे कि यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो. एक दिन मेरे भाई गुस्सा, मैंने उनसे कहा कि 10-15 दिन जब हो गया, मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो यार, कुछ करोगे या फिर ऐसे ही लगे रहोगे. मैंने कहा कि अंकल जी ऐसा है ना कि अभी आपने जो पैसे भेजे थे वो खत्म हो गए, वो कोई दूर के रिलेटिव थे. मैंने बोला आपने जो पैसे भेजे थे ना 30-35 हज़ार महीने का, वो मेरा खत्म हो गया. बोले मैंने पैसे भेजे? मैंने कब पैसे भेजे? मैंने कहा आपने नहीं भेजे? बोले नहीं. मैंने कहा फिर पूछ क्यों रहे हो? क्यों पूछ रहे हो भाई, भेजे ही नहीं. और साइकिल नेट हीट ट्रांसफर इसको नेटवर्क ट्रांसफर ना. अबे जब हीट ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हो तो वर्क की क्या चिंता कर रहे हो? जब हीट ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो वर्क की चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे पे छोड़ दो. ठीक है, आओ. एक्सटर्नल वर्क ऑफ इवेपोरेशन इज डिफाइंड एज. एक्सटर्नल वर्क इवेपोरेशन का कैसे डिफाइन करते हैं डियर? ऑप्शन नहीं दिख रहा भाई, इतने बड़े बड़े ऑप्शन नहीं दिख रहे. कौन है ये, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? प्रभाकर राजभर जी, ऑप्शन नहीं दिख रहा बच्चे. अच्छा मैं हट जा रहा हूं, चलो अब देख लो. अरे रियली गाइज, आर यू सीरियस? एक्सटर्नल वर्क ऑफ इवेपोरेशन, हीट एक्सपैंडेड इन ओवरकमिंग द इंटरनल मॉलिक्यूलर, गलत है. दिस इज कॉल्ड इंटरनल हीट ऑफ इवेपोरेशन. कल आपको बताया था कि लैटेंट हीट इज हैविंग टू पार्ट, वन इज इंटरनल लैटेंट हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इंटरनल फ्रिक्शन और इंटरनल मॉलिक्यूलर लाइक रेजिस्टेंस, एंड द एक्सटर्नल लैटेंट हीट, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द एक्सटर्नल प्रेशर, एडवर्स प्रेशर. हीट रिक्वायर्ड फॉर कहां गया? हीट एक्सपेंडेड इन ओवरकमिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू चेंज इन वॉल्यूम, है ना. तो हीट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड टू, नहीं, हीट रिक्वायर्ड कंप्लीट कन्वर्जन, ठीक है. तो हीट एक्सपेंडेड इन ओवरकमिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवर करने में जो हीट रिक्वायर्ड है वो LH लेटेंट हीट ऑफ इंटरनल जो है, इंटरनल है वो इंटरनल लेटेंट हीट, और जो बाहर वाला रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जा रही है एडवर्स प्रेशर इफेक्ट को या फिर चेंज इन वॉल्यूम को, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लेटेंट हीट. कल ही मैंने आपको बताया था अभी डियर.
ठीक है, चलिए आंसर करिए. इफ अ टर्बाइन डेवलप्स अ पावर ऑफ 2.515 मेगावाट एट 240 आरपीएम देन द टॉर्क डेवलप इन द टर्बाइन शाफ्ट. गाइस अगर मुझे सच में कभी एसएससी जेई के प्रोफेसर मिल जाए ना, अगर कभी एसएससी जेई के प्रोफेसर मुझसे मिल जाए, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि सर आप लोग ये सब वैल्यू क्यों देते हो, सिंपल वैल्यू क्यों नहीं देते? आप बच्चों का सिर्फ आईक्यू लेवल चेक करना चाहते हो कि उनको कैलकुलेटिव बनाना चाहते हो? कैलकुलेटिव बनाने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर है, तो आप कैलकुलेट क्यों करवा रहे हो? सिंपल दे दो, आपको लॉजिक जानना है ना यार, सिंपल लॉजिक दे दो. चलो भैया, टर्बाइन डेवलप कर रहे हैं बच्चे, सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा लगने वाला है. टॉर्क आपसे पूछा है तो पावर बाय ओमेगा लगने वाला है. पावर आपको दिया है मेगावाट में, कन्वर्ट कर लीजिएगा किलोवाट में क्योंकि आंसर किलो जूल में है. पावर मेगावाट में दिया है, कन्वर्ट दिस इनटू किलोवाट बिकॉज द आंसर इज इन किलो जूल. सो कन्वर्ट दिस पावर इनटू किलोवाट. सो इट इज 10^3 मेगा मतलब 10^3 किलोवाट. 10^3 किलोवाट इनटू 10^3 इसको मैं किलोवाट लिख सकता हूं. सो ये आ जाएगा कितना बच्चे, 2515 आ जाएगा ऊपर, 2515. ये किसमें आ जाएगा, किलोवाट में. किसमें आ जाएगा नाउ, किलोवाट में. डाउ अपॉन 2πn/60 इंटू 60 अपॉन 2π इंटू आरपीएम कितना है, 240. सॉल्व करिएगा और बताइएगा मुझे आपका आंसर आया 100 कि नहीं. कितना आंसर आया, 100 आंसर आएगा. नो इट इज नॉट 200, इट इज 100 डियर, इट मस्ट बी 100 जूल, 100 किलो जूल. Yes, it is 100. Solve this. It is 2 pi n. 2 pi into n upon 60 ऊपर जाएगा 2515. कितना आ रहा है? 100 आएगा डियर. सूर्यांश फिर से कैलकुलेट करो बच्चे. कैलकुलेटर यूज करते समय हमेशा ब्रैकेट का ध्यान रखना, अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा. कैलकुलेटर को यूज करते हमेशा ऑप्शन का ध्यान रखना. आपने पता है क्या किया होगा, आपने कर दिया होगा ऐसा कि 2515 इंटू 60 डिवाइडेड बाई पाई, ये आंसर आ गया होगा, आपने इंटू 2 कर दिया होगा, पाई डिवाइडेड बाई पाई डिवाइड बाई 2, तब यहां पे 2 पाई आएगा. कैलकुलेटर का ध्यान, कैलकुलेटर का यूज करते वक्त हमेशा ब्रैकेट का ध्यान रखिए, अदरवाइज आपसे ऑप्शन हमेशा गलत होगा. हाँ कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा सा कैलकुलेटर का ध्यान रखें. हाँ एग्जैक्टली शुभम, बहुत बढ़िया, 100.00686 is the right answer. Super saturated expansion of steam through the nozzle results in. Nozzle का super saturated expansion हो रहा है, तो वो क्या result देगा, यानी कि क्या बनाएगा? तो guys, अगर nozzle का super saturated expansion हो रहा है, super saturated expansion means that in the nozzle the steam is like being super saturated. Steam को हम super heat कर रहे हैं. अगर steam को आप super heat कर रहे हैं, तो क्या होगा? बताइए. सुपर सैचुरेटेड जो एक्सपेंशन होगा नोजल के अंदर वो क्या होगा? यस, अगर आप स्टीम को सुपर सैचुरेट करें, अब आप सोचो कि स्टीम को आप सुपर सैचुरेट कहां से करेंगे? हाउ द स्टीम विल बी सुपर हीटेड इन द नोजल, बिकॉज ऑफ द इंटरनल हीट जनरेशन. इफ द स्टीम, अगर स्टीम नोजल के अंदर एक्सपैंड हो रही है और नोजल के अंदर स्टीम सुपर हीट हो रही है, तो वो हीट कहां से पा रही है? फ्रॉम वेयर इट इज गेनिंग द हीट? Obviously from the internal irreversibility, internal friction की वजह से वो heat को gain कर रही है और steam क्या हो रही है, super heat हो रही है, super saturation को प्राप्त हो रही है, यानी कि परम दशा को प्राप्त हो रही है. तो वो कहां से जाएगी? और जब भी internal heat generation होगा because of friction, entropy increase करेगी और dryness fraction increase करेगा. जब भी heat generation होगा entropy increase करेगी, क्योंकि irreversible हो गया ना process, entropy increase करेगी और जो है आपका steam जो होगी वो super heat हो जाएगी, यानी कि dryness fraction भी increase हो जाएगा, क्योंकि जो हीट होगी वो उसके अंदर जो लिक्विड के वाटर के पार्टिकल अगर एक दो रह गए होंगे उसको उड़ा देगी और उसको सुपर हीट बना देगी. क्रॉस फ्लो टर्बाइन्स, क्रॉस फ्लो टर्बाइन्स आंसर करेगा फास्ट. क्रॉस फ्लो टर्बाइन्स are devices for converting the kinetic energy of wind or water current to. Yes guys, cross flow चाहे कौन टर्बाइन हो दुनिया जहान की, क्या करती है ये, वॉटर की पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है. कोई भी टर्बाइन हो क्या करती है, वॉटर की पावर को मैकेनिकल शाफ्ट पावर में कन्वर्ट करेगी. इनिशियल पावर क्या है, वॉटर पावर, फाइनल पावर क्या है, शाफ्ट पावर. पंप में क्या है, इनिशियल पावर शाफ्ट पावर, फाइनल पावर वॉटर पावर. टर्बाइन में आप वॉटर पावर देंगे, आपको शाफ्ट घूमती हुई मिलेगी,
पंप में आपको शाफ्ट को घुमा के देना है, आपको पानी उड़ता हुआ मिलेगा, यानी कि चढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा ऑफ शाफ्ट के। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूमेट्रिक डिस्चार्ज गाइस, इन नेक्स्ट 4 मंथ रिमेंबर ओनली वन टेक्निक, ट्राई टू कमिट लेस मिस्टेक्स डे बाई डे। सपोज दैट यू आर कमिटिंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेल यू, सपोज दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस टुडे एंड इन 30 क्वेश्चंस यू हैव कमिटेड 5 मिस्टेक्स, सो टेक ओथ, टेक अ वो दैट टुमारो आई विल नॉट कमिट 5 मिस्टेक्स, डेफिनेटली आई विल कमिट लेस देन 5 मिस्टेक्स। सो डे बाई डे ट्राई टू इंप्रूव, हमेशा इंप्रूव होने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि जिंदगी में एक ही चीज की गुंजाइश हमेशा रहती है, वो है कुछ सीखने की और सुधरने की। चाहे वो दुनिया का कोई बड़ा टीचर हो, कितना भी बड़ा प्रोफेसर हो, कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, कितना भी हाई आईक्यू लेवल का बंदा हो, एक ही चीज की रिक्वायरमेंट गुंजाइश हमेशा होती है, वो होती है लर्निंग की। बिकॉज लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो हमेशा सीखते रहिए। तो क्या कितना आ जाएगा डियर, मीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज क्यू, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो मीटर क्यूब मीन्स एल क्यूब और पर सेकेंड मीन्स टी इनवर्स, सो यहां पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, कीप प्रैक्टिसिंग, एक ही तरीका है डियर, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते रहेंगे। Which of the following high pressure boiler has a unique characteristic of absence of steam drum? कौन सा है बच्चे? Benson boiler, no drum, और आपका क्या होता है ये? Unidirectional, यानी कि once through boiler। चलिए अब किताबों खत्म करिए dear, किताबों खत्म करिए। Conversion part, diversion part and throat are used to construct which of the following device? कौन से device बनाते हैं? थोड़ा fast answer करेंगे सभी लोग। Yes, it is venturimeter। Venturimeter कैसा होता है बच्चे? आपका ऐसा होता है वेंचुरीमीटर, लाइक दैट, कुछ ऐसा होता है वेंचुरीमीटर। यहाँ पे थ्रोट है, ये आपका क्या है, आपका दिस इज योर कन्वर्जिंग पार्ट, दिस इज योर थ्रोट, दिस इज योर डाइवर्जिंग पार्ट, तो क्या आ जाएगा, वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट पे वेंचुरीमीटर का अगर डिस्चार्ज भी आपको कैलकुलेट करना है तो डिस्चार्ज भी आप निकाल सकते हैं। डिस्चार्ज ऑफ द वेंचुरीमीटर क्या होता है आपका, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू a1 a2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अंडर रूट 2 जीएच, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी कौन है? थोड़ा सा गाइस फास्ट आंसर करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टॉप द सेशन, जस्ट 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, वी आर गोइंग टू स्टॉप द सेशन, ओके। तो कितने क्वेश्चन, कितना आ जाएगा, हीट, हीट क्या है, पाथ का फंक्शन, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर, ऑल थ्री आर प्रॉपर्टी। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है टेम्परेचर प्रेशर, और इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन अ फ्लूइड कम्स इनटू कांटेक्ट विद द सरफेस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द सरफेस इज रेफर्ड टू एज, रेफर्ड टू एज, जब कोई फ्लूइड किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जब कोई फ्लूड किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, सो गाइस वो जो एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, जब भी कोई फ्लूड किसी सरफेस कांटेक्ट में आता है वो एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं टोटल प्रेशर। क्या बोलते हैं? टोटल प्रेशर, और हाइड्रोस्टैटिक रिजल्टेंट प्रेशर या फिर टोटल प्रेशर हम इसको बोलते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और फिर टोटल प्रेशर हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर। नेक्स्ट, The purpose of using fins in intercooler is to reduce. Fins का use intercooler में क्या है dear? बताइए. Fins का use intercooler में क्या है? To reduce the temperature. Fins किस लिए use कर रहे हैं? Temperature को reduce करने के लिए. Next question बात है.
In a refrigerating system, the work input is 20 kilojoule per kg, while 80 kilojoule per kg of heat is rejected out of the system. The COP of the system will be, guys, answer soch samajh kariyega. Refrigerating system hai aur heat rejected aapko diya hai. Kya diya hai? Heat rejected. Again, think about the question. So, yahan par dekhiye aapko heat rejected Q1 hai aur ye kitna hai? Q2 hai. Ye T lower hai, ye T aapka higher hai. Yahan pe aapko work de rahe hain. Refrigerating system, the work input kitna diya hai? 20 and heat rejected 80 diya hai. Kya diya hai? 80. So guys, Q1 आपको दिया है 80, Q2 कितना जाएगा 60. No, 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 it is not 80 by 2, dear. 80 by 2 नहीं है, sir. It is not 80 by 2. 80 is the heat rejected. We are interested in heat absorbed because Q2, COP क्या होता है? Q2 by W. And what is Q2? It is Q1 minus W by W. Okay. So what is Q1? 80 minus 20. 80 minus 20, that is 60. 60 by 20. मीन्स 3 कितना जाएगा 3 आ जाएगा वो हीट पंप का है ये जो आप बता रहे हैं ना 80 बाय 20 वो हीट पंप का है हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट नेक्स्ट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस S1 स्टेटमेंट 1 ओपन साइकिल गैस टरबाइन इज अ रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन स्टेटमेंट 2 स्टीम इंजन इज अ रेसिप्रोकेटिंग एक्सटर्नल कंबशन इंजन नो डियर हीट रिजेक्टेड इज ऑलवेज मोर इन रेफ्रिजरेटर और हीट पंप द हीट रिजेक्टेड इज ऑलवेज मोर देन हीट एब्सॉर्ब्ड हीट रिजेक्टेड मींस द हीट व्हिच इज बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर इनटू एटमॉस्फेयर एंड द हीट एब्सॉर्ब्ड दैट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इवेपोरेटर हीट रिजेक्शन इज ऑलवेज मोर in refrigerator and heat pump because the heat rejection Q1 is Q2 plus work ठीक है चलिए so guys देखिए यहां पर open cycle gas turbine is a rotary internal combustion engine yes this statement is correct why because in open cycle gas turbine there is a rotary portion turbine is a kind of rotary portion in rotary internal engine there is also a rotary पोर्शन एक क्या होता है रोटरी पोर्शन होता है आपने पढ़ा ना जैसे उसमें नोम इंजन जिसे बोलते हैं नोम इंजन रोटरी इंजन और इसमें भी इंटरनल कंबशन इंजन में द एग्जॉस्ट जो फाइनल एग्जॉस्ट है एग्जॉस्ट वो एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर देते हैं आईसी इंजन में और ओपन साइकिल गैस टर्बाइन में भी एग्जॉस्ट को एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर देते हैं स्टेटमेंट 1 सही है स्टीम इंजन इज अ रेसिप्रोकेटिंग एक्सटर्नल कंबशन इंजन बच्चे स्टीम इंजन में स्टीम कहां बनाते हैं आउट ऑफ द सिलेंडर आउट ऑफ द स्टीम इंजन में स्टीम इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द सिलेंडर कहां बनाते हैं सिलेंडर के बाहर और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में भी हम स्टीम कहां बनाते हैं सिलेंडर के बाहर सो ये दोनों सेम स्टेटमेंट है यानी कि दोनों सही है दोनों करेक्ट है ऑप्शन 4 सही है आइए लास्ट क्वेश्चन यहां पे करके सेशन को हम करेंगे एंड गाइस ठीक है लास्ट क्वेश्चन को खत्म करके इसको खत्म करेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच The material recovers its original shape after removal of the load is known as yes elasticity kya bolte hain elasticity load hata diya material mein property ko regain kar liya isko bolte hain elasticity so chaliye thank you so much guys good day take care bye bye and love you all aap sabhi ko bahut bahut aap sabhi ka shukriya ki class mein aap sabhi aaye aur daily class mein rahiyega hamara jo daily ka session hota hai wo 7 se 9 tak hota hai isi timing par isi channel par to 7 se 8 hum karte hain rrb aur ssc ke questions kyunki ssc je ka bhi exam hai chuka to aap bhi taiyar ho jaiye theek hai और फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह की मास्टर क्लास में अगर शेड्यूल हुई मैं कोशिश करूंगा क्लास शेड्यूल हो जाए 9:15 पर मैं टीम को बोल दूंगा क्लास शेड्यूल हो जाए ठीक है तो ठीक है कल आपसे मिलते हैं फिर 9:15 पर और गाइस जो बच्चे यहां पर हैं जो लाइक सुपर कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं वो आएंगे यहां पर हमारे YT पर आप आएंगे YT पर और जैसे ही आप YT को गाइस ओपन करेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेरा लेक्चर चलता हुआ देखिए ये आपको लेक्चर चलता हुआ दिख जाएगा आप इसके नीचे जाइएगा और शो मोर करिएगा जैसे आप शो मोर करेंगे तो आपको कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का बार का कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा तो आप उसमें क्लिक करेंगे गाइस जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर दिख जाएगा यानी कि देखिए आपको 6 महीने का पूरा कोर्स मिल रहा है 2799 के प्राइस पर तो आप यहाँ पे करेंगे बाय नाउ आप प्लान को भी चेंज कर सकते हैं 12 महीने 6 महीने 3 महीने का जो भी आपका प्लान आप चाहें आप ले सकते हैं इसके लिए गाइस आपको यहां पर कूपन मेरा अप्लाई करना है आप इसको अगर यहां पर कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको यहां पे और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको कूपन कोड अप्लाई करना है RMISHRA ये आपको करना है अप्लाई ठीक है तो ये 2599 का आपको मिल जाएगा तो यहां पर आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा तो इसको इस तरह से बनाइए और लगे रहिए
अब इसका अभी कुछ पता नहीं है बाबूजी, मनीष कल का और आज का वो दोनों भेज दूंगा, ठीक है? अभी आपके सामने मैंने सेव किया, मैं कल आज का दोनों का भेज दूंगा, थोड़ा मुझे समय दो, मेरी भी 9-10 से दूसरी क्लास है। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।